हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं न्यू रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन फेलियर चेस्ट या चेस्ट इंजरी, जिसको अदर नेम से भी जाना जाए तो चेस्ट ट्रॉमा। जो मीनिंग है वो इंडिकेट कर रहा है चेस्ट इंजरी को, मींस जो चेस्ट है उसके अंदर किसी भी टाइप की जो है इंजरी होना या फिर जो चेस्ट ट्रॉमा है वो कंडीशन प्रोड्यूस होना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा, जो ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा है वो इंडिकेट कर रहा है किसी टाइप की कोई भी पेनिट्रेटिंग जो है ट्रॉमा जो है वहां पे देखने को नहीं मिल रहा। मींस हम लोग बोले कि कोई भी टाइप की जो है वहां पे कट फट नहीं हो रही है, जैसे कि कोई भी जैसे कि चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर किसी भी वाइल, जैसे कि हम लोग इसके अंदर बात करें ट्रॉमा फ्रॉम ए स्टेरिंग वाइल इंजरी, जो स्टेयरिंग है, जैसे कि कोई सडनली कार चला रहा है तो एकदम से वो ब्रेक मारता है, कोई भी तरीके की अगर उसके साथ दुर्घटना घटित होती है तो वो सीधा स्टेयरिंग से भिड़ता है। स्टेयरिंग से भिड़ने पर उसके जो है चेस्ट पे धक्का लगेगा और उसके अंदर जो है रिजल्टिंग द फ्रैक्चर ऑफ टू और मोर रिब, जिसकी वजह से जो है दो या दो से ज़्यादा रिब्स जो है फ्रैक्चर हो जाती है, और उस कंडीशन को जो है चेस्ट इंजरी के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब जैसे कि लगी, लगने के बाद में किसी टाइप का जो है वहाँ पे कट नहीं हुआ, उसके जो है ब्लड बाहर नहीं आया, अनहोनी चोट जो है जिसको हम लोग बोल सकते हैं अंदर की चोट, जिसमें जो है रिब्स फ्रैक्चर होगी, बट किसी भी टाइप का फ्लूड जो कंटेंट है, लाइक जैसे कि हम लोग बोले ब्लड, किसी भी टाइप का ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, उस टाइप की जो है चेस्ट इंजरी में इंक्लूड किया गया है, जिसको बोलते हैं फेलियर चेस्ट। इन टू और मोर प्लेस, जो रिब फ्रैक्चर होती है वो दो या दो से ज़्यादा जो है प्लेस पर हो सकती है, रिजल्टिंग इन फ्री फ्लोटिंग मूवमेंट, जिसके रिजल्ट के अंदर जो रिब्स फ्रैक्चर हुई है, जैसे मान लो कि ये रिब्स है, ये पूरी रिब्स है मान लो, अब ये बीच में से ब्रेकअप हो गई, अब ये फ्री फ्लोटिंग कर रही है, ना कि ये हल्की सी फ्रैक्चर हुई है, ये पूरी फ्रैक्चर होगी, बट इसके अंदर जो है टू और मोर जो रिब है वो फ्रैक्चर होनी चाहिए। जब टू और मोर रिब फ्रैक्चर होगी तो उसको इंक्लूड किया जाएगा फेलियर चेस्ट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें, न्यूमोथोरिक्स इज ए मेन कंडीशन रिजल्टिंग इन केस ऑफ फेलियर चेस्ट, जो न्यूमोथोरिक्स की कंडीशन है, न्यूमोथोरिक्स मीन्स न्यूमो मीन्स जो है गैस, इन जो थोरेक्स है वो थोरेक्स, जो प्लूरल कैविटी होती है लंग्स की, उसके अंदर गैस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है लंग्स जो है वो प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाते और डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर, और चेस्ट पेन की कंडीशन वहाँ पे अकर होती है। तो प्लूरल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेज जो है उस कंडीशन को बोलेंगे न्यूमोथोरिक्स, जो कि मेन कंडीशन है फेलियर चेस्ट का, यानी कि चेस्ट इंजरी का जो है न्यूमोथोरिक्स जो है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कोजेज ऑफ फेलियर चेस्ट की, फेलियर चेस्ट के कौन कौन से कोजेज है जिसकी वजह से चेस्ट इंजरी जो है वो होती है। फर्स्ट ब्लंट ट्रोमा, यानी कि सीधा जो है ट्रोमेटिक कंडीशन जो है वहाँ पे कोज होती है, जिसके अंदर किसी भी टाइप का जो है पेनिट्रेटिंग ट्रोमा हमारे को देखने को नहीं मिलता है, जिसके अंदर जो ब्लंट चेस्ट ट्रोमा है इसके अंदर जो है किसी भी टाइप की जो इंजरी साइट है, जैसे कि हम लोगों ने बात की स्टेयरिंग व्हील इंजरी, जो क्लाइंट है वो गाड़ी चला रहा है और एकदम से कोई दुर्घटना घटी है तो वो सीधा जाके स्टेयरिंग से लगता है और उसके टू या मोर रिब जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। इसी तरीके से होने वाला जो ट्रोमा है वो ही इसका मेन कोजेज होता है, मोस्ट ऑफ मोस्ट कोजेज जो है वो ब्लंट ट्रोमा है। नेक्स्ट रिब फ्रैक्चर, अब और अदर कंडीशन के अंदर, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो चल रहा है, चलते चलते अगर वो गिर गया किसी देखी चीज़ पे या फिर किनारे वाली पे, तो उसके जो है ब्लड ना आके जो रिब फ्रैक्चर हो जाती है उस टाइप की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पेनिट्रेटिंग भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो है रिब फ्रैक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट चेस्ट इंजरी, जो अदर चेस्ट इंजरी है, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है घूमने निकल रहा है, घूमते निकलते ही उसका क्या कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, या फिर हम लोग बात कर सकते कि कोई अदर जो एनिमल है वो उसके डुक कर गया या फिर उसको मारने की कोशिश की, तो जिसके अंदर उसके चेस्ट इंजरी या चेस्ट ट्रोमा हो गया। तो चेस्ट ट्रोमा के बहुत से अदर जो है एग्जांपल इसके अंदर आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है सीरियस फॉल, कोई व्यक्ति जो है
अधिक ऊंचाई से गिर गया और सीरियस कंडीशन के अंदर उसके चेस्ट पे लग गई है, तो जिसके अंदर जो है रिब फ्रैक्चर हुई है वो भी चेस्ट ट्रॉमा यानी कि चेस्ट इंजरी और फेलियल चेस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो बात होगी कॉजेज ऑफ फेलियल चेस्ट की। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो प्रोड्यूस होंगे फेलियल चेस्ट के अंदर। तो फर्स्ट जो है पेन एट द साइट ऑफ इंजरी एंड रिब फ्रैक्चर, जो रिब फ्रैक्चर हुआ है उस रिब फ्रैक्चर की साइट पे जो है पेन हमारे को देखने को मिलेगा, यानी कि जो क्लाइंट है वो पेन वहाँ पे बताएगा। नेक्स्ट स्लो रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेटरी रेट है वो डाउन हो जाएगी, बिल्कुल स्लोली वो है रेस्पायरेशन करेगा। अब वो जो रेस्पायरेशन कर रहा है अगर वो ज़्यादा करेगा तो उसके जो पेन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और पेनलेस रहने के कारण वो स्लो रेस्पायरेशन जो है वो करता है। टेंडरनेस और टाइटनेस जो है चेस्ट पर देखने को मिलती है, चेस्ट पेन जो है अकर होएगा क्योंकि अगर ट्रोमा की कंडीशन हुई है तो जो है पेन वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग कंडीशन है जब वो सांस लेगा तो वो थोड़ा थोड़ा लेगा, मतलब कि रुक रुक कर, तो जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आएगी। नेक्स्ट ब्रिसेज, जो स्किन है यानी कि जो साइट है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ट्रोमा की उसके अंदर जो है ब्लूश कलर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्कलरेशन इन द चेस्ट एरिया। जो चेस्ट एरिया के अंदर जो प्रॉपरली एक्यूरेट चेस्ट इंजरी साइट है उसके अंदर जो है ब्रूसेज देखने को मिलेगा, मीन्स जो है ब्लूश जो है स्किन कलर वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ फेलियल चेस्ट की, फेलियल चेस्ट के कौन कौन से इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक है यानी कि कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो क्लाइंट है उसकी चेस्ट इंजरी हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए बात करते हैं, सब फर्स्ट ऑफ अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, जो क्लाइंट है उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि आपको किस तरीके की जो है चोट हुई है या आपके साथ कौन कौन सी घटना घटित हुई है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण भूमिका जो है चेस्ट के ऊपर निभाएंगे कि जो चेस्ट है उसकी वॉल पे आपको किस तरीके की जो है इंजरी दिखाई दे रही है, और जो है वहाँ पे पाल्पेशन करने पर जो है पेन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है क्लाइंट को। नेक्स्ट हम लोग बात करें चेस्ट एक्सरे, जो क्लाइंट है उसका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे जिसके दौरान जो फ्रैक्चर है रिब्स वो जो है विजुअलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जो है हम लोग करवाएंगे ताकि जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है उसको इंडिकेट कर सकें। नेक्स्ट सीटी स्कैन की, किस टाइप का जो है फ्रैक्चर है उसको एनालिसिस या विजुअलाइजेशन करने के लिए सीटी स्कैन करवाएंगे। नेक्स्ट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एबीजी एनालिसिस एट्रियल ब्लड गैसेस जो है वहाँ पे एनालिसिस करवाएंगे कि जो चेस्ट ट्रोमा है उसके लिए उसकी वजह से जो है क्लाइंट प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, और जो है एबीजी एनालिसिस करने पर जो PO2 पार्शियल O2 और पार्शियल CO2 जो है हम लोग एनालिसिस करवाएंगे। नेक्स्ट सेचुरेशन ऑफ O2 यानी कि SpO2 लेवल हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करवाएंगे ताकि जो क्लाइंट है उसके अंदर जो है वेंटिलेशन की जो जरूरत है यानी कि नीड है तो उसको प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन, कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैनेजमेंट ऑफ फेलियर चेस्ट एंड चेस्ट इंजरी की, चेस्ट इंजरी को किस तरीके से हम लोग जो है प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उसको मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ अपन बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, कि मेडिसिन के द्वारा दिया जाने वाला मैनेजमेंट जिससे कि किसी भी डिजीज कंडीशन से जो है उभरा जा सकता है या फिर उसको फैलने से रोका जा सकता है या फिर उसको रिकवर किया जा सकता है। तो देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ चेस्ट इंजरी। तो फर्स्ट ऑफ अपन बात करें यूजुअली पेन रिलीफ विद इन 5 to 7 days, जो क्लाइंट को पेन फील हो रहा है चेस्ट पेन जो हो रहा है इंजरी की वजह से तो उसको हम लोग क्या करेंगे रिलीफ प्रोवाइड करवाएंगे क्लाइंट को विद जो है एनाल्जेसिक जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाएंगे, और जो पेन है उसको 5 to 10 days के अंदर ही रिड्यूस करवाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो है क्लाइंट को ये हो कि मैं रिकवर हो रहा हूँ। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ रिब फ्रैक्चर हील इन 3 to 6 weeks, जो रिब फ्रैक्चर है वो फ्रैक्चर जो है हील होने चाहिए मीन्स ठीक होने चाहिए 3 to 6 weeks के अंदर अंदर। तो बोन हीलिंग प्रोसेस तो आप लोगों ने पढ़ी होगी,
और बोन हीलिंग प्रोसेस के अंदर ही जो फ्रैक्चर्स हैं, रिब फ्रैक्चर जो हुआ है उसको हील किया जाएगा विद इन 3 to 6 weeks के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें, सेडेशन इज यूज टू रिलीव पेन। जो सेडेटिव ड्रग्स हैं उसका यूज करना पड़ेगा रिलीव पेन, जो पेन है उसको रिलीफ करने के लिए। एंड अलाउ डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, जो क्लाइंट है उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कफिंग एक्सरसाइज करने को हम लोग बोलेंगे, ताकि जो उसका जो चेस्ट के अंदर जो ट्रॉमेटिक कंडीशन के वजह से होने वाला ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो दूर हो सके, यानी कि वो उससे रिलीव हो सके। नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, लाइक जैसे कि जो चेस्ट ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें फीवर जो हो रहा है उसको, तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो है उसको प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि हम लोगों को जो क्लाइंट है उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें सपोर्टिंग मैनेजमेंट की, जो चेस्ट इंजरी वाला जो क्लाइंट है उसको किस तरीके से हम लोग सपोर्टिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी जो है प्रोवाइड वेंटिलेटर सपोर्ट, जो चेस्ट इंजरी हुई है उसकी वजह से जो है अल्ट्रेशन आएगा उसके ब्रीथिंग के अंदर, मींस वो स्लो ब्रीथिंग कर पाएगा चेस्ट पेन के कारण, तो उसको जो है प्रॉपर वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्लियर सिक्रेशन फ्रॉम लंग, जो लंग्स के अंदर अदर सिक्रेशंस हो रहे हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ पेन, जो पेन है उसको मैनेज करना पड़ेगा, लाइक जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गई या फिर जो फिर एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव ड्रग्स जो है वो उसको एडमिनिस्टर करवाई जाएंगी एज प्रेस्क्राइब्ड, जैसे कि डॉक्टर जो है हमारे प्रेस्क्राइब्ड करेगा। नेक्स्ट स्टॉपिंग फ्लो ऑफ एयर थ्रू द ओपनिंग इन चेस्ट वाल, स्टॉप करवाएंगे जो फ्लो हो रहा है एयर का थ्रू द ओपनिंग ऑफ वाल, जो इंजरी की वजह से जो ओपनिंग हुई है चेस्ट वॉल के अंदर उसको। एंड लाइफ सेविंग मेजर, उस टाइम पे जो है हम लोग मेजरमेंट करेंगे वो लाइफ सेविंग मेजरमेंट कहलाएगा, लाइक जैसे किसी की चेस्ट इंजरी हुई है तो चेस्ट इंजरी होने के कारण जो है उसकी वॉल चेस्ट वॉल जो है वो डैमेज हो गई और एयर फ्लो हो रहा है, तो उस एयर फ्लो को जो है प्रिवेंट किया जाएगा और जो है वो इंक्लूड किया जाता है लाइफ सेविंग के अंदर। अगर वो जो है एयर फ्लो अगर इंक्रीज होएगा तो उसको डिफिकल्टी होगी और जो है लाइफ जो है डेंजरस कंडीशन के अंदर जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो क्लाइंट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट है वो चेस्ट इंजरी यानी कि फ्रैक्चर का नाम सुन के वो सोचेगा कि मेरे जो है हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, चेस्ट फ्रैक्चर हो गया और मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, तो उस टाइम पे उसको प्रॉपरली साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे, आप ये प्रॉपर मेडिसिन लो और ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कफिंग एक्सरसाइज जो है वो आप लोग करो। इसके दौरान हम लोग ये बताएंगे कि कोई भी टाइप की जो है हेविंग एक्सरसाइज वो ना करे, वॉक जो है वो मिनिमम रखे और जो है प्रॉपर रेस्टिंग कंडीशन के अंदर वो रहे, जिसके कारण जो है बोन हीलिंग यानी कि जो फ्रैक्चर हुआ है रिब फ्रैक्चर वो हील हो सके मिनिमम टाइम के अंदर। तो नेक्स्ट हम लोगों ने बात की फेलियर चेस्ट या चेस्ट इंजरी की, तो हम लोगों ने जाना कि जो चेस्ट इंजरी है वो किस तरीके से होती है, चेस्ट इंजरी के अंदर कौन कौन सी जो है मैनेजमेंट इंक्लूड किए गए हैं और किस तरीके से हम लोग उसके साइन एंड सिम्टम के दौरान हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो चेस्ट इंजरी हुई है वो घातक है या नहीं है। तो ये तो बात होगी चेस्ट इंजरी की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो क्लाइंट है उसको प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन भी देंगे कि जो मेडिसिन है वो आपको प्रॉपरली टाइमली लेनी है एज प्रेस्क्राइब्ड। किसी भी टाइप का जो है आपको पेन फील हो रहा है चेस्ट के अंदर या किसी भी टाइप का आपको ऑब्लिगेशन देखने को मिल रही है ब्रीथिंग के अंदर, तो तुरंत आप उसका खुद निवारण ना करके डॉक्टर से मैनेजमेंट करवाएं एक क्विकली या फिर फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो क्लाइंट है उसको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है और जो है प्रॉपर रेस्ट जो है उसके अटेंडेंट को समझाना पड़ेगा कि जो है आप इस क्लाइंट को जो है प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ ऑब्जर्वेशन में रखें कि ये प्रॉपरली जो है रेस्टिंग कंडीशन के अंदर रहे, जो वॉक है वो बिल्कुल कम करे और किसी भी टाइप की हेविंग एक्सरसाइज वो ना करे, तो और प्रॉपर वेंटिलेशन जो है उसको प्रोवाइड करवाया जाए ताकि जो होने वाली ब्रीथिंग डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट किया जा सके और जो है मिनिमम टाइम के अंदर उसको रिकवर किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।